नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों में होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका बहुत बार गलत ट्रीटमेंट उनमें हो जाता है, जिसको सामान्यतः सफ़ेद दाग समझ लिया जाता है, और उस बीमारी का नाम होता है पिटीरियासिस अल्बा। ये इसका सही प्रोनंसिएशन है, इसको पिटीरियासिस अल्बा बोला जाता है। और सामान्यतः ये जो बीमारी है ये विटीलिगो से मिसमैच कर ली जाती है, यानी कि कभी कभी कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं, उनमें इसे सफ़ेद दाग समझ लिया जाता है। और ये बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो जाती है कि ये बच्चे को ल्यूकोडर्मा या विटीलिगो जिसे कहते हैं वो कैसे हो गया। तो सामान्यतः ये जो बीमारी होती है दोस्तों, ये पिटीरियासिस अल्बा होती है। सामान्यतः एक तरह का ये डर्मेटाइटिस होता है, एक तरह का ये एक्जिमा होता है, जिसमें बच्चों को सफ़ेद राउंडेड इस तरह के ऐसे दाग पड़ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चे हैं, इस तरह के ये छोटे छोटे सफ़ेद दाग, हल्के गुलाबी दाग, इस तरह के ये दाग चेहरे पर ये पड़ते रहते हैं। और ये जो बीमारी होती है ये सामान्यतः एक प्रकार का एक्जिमा होता है। इसका जो खास कारण है, जो एग्जैक्ट कॉज है, वो अभी तक पता नहीं चल सका है कि आखिर ये बच्चों में होता क्यों है। फिर भी एक हाइपोथीसिस है कि जिन बच्चों में वर्म्स की शिकायत होती है, यानी कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उन बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो सामान्यतः इसका एक कोरिलेशन वर्म्स के साथ किया जाता है। फिर भी इसका एक एग्जैक्ट कॉज अभी तक मेडिकल साइंस में पता नहीं चल पाया है। इसे एक तरह का एक्जिमा या डर्मेटाइटिस ही मानकर इसका इलाज किया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, हल्के हल्के छोटे गुलाबी राउंडेड ओवल शेप इस तरह के दाग पड़ जाते हैं बच्चों में। ये सफ़ेद हो सकते हैं, ये गुलाबी हो सकते हैं, ये थोड़े से पेल कलर के हो सकते हैं, इस तरह के ये दाग होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में इनमें इचिंग होती है। सामान्यतः इचिंग सभी बच्चों में नहीं पाई जाती है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। कभी कभी ये जो पिटीरियासिस अल्बा होता है ये समय के साथ अपने आप भी ठीक हो जाता है, इसको किसी भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें समय के साथ ये धीरे धीरे ठीक नहीं होता है और उनमें फिर दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि ये विटीलिगो नहीं है, ल्यूकोडर्मा नहीं है, इसलिए इसमें ल्यूकोडर्मा से रिलेटेड किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर से एमीविस्नेगा का यूज़ नहीं करना है, खास तौर से आर्स सल्फ फ्लेवम का यूज़ नहीं करना है। ये दोनों दवाएं बच्चों में, बड़ों में या किसी भी उम्र के पेशेंट में सफ़ेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा के लिए यूज़ की जाती हैं, विटीलिगो के लिए यूज़ की जाती हैं। जिन बच्चों को पिटीरियासिस अल्बा की शिकायत हो उन बच्चों में एमीविस्नेगा का और आर्स सल्फ फ्लेबम किसी भी पोटेंसी में यूज़ नहीं करना है। इससे आपके बच्चे के ऊपर प्रूविंग हो सकती है और फिर उसको सफ़ेद दाग की बीमारी डेवलप हो सकती है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी, विटीलिगो की बीमारी डेवलप हो सकती है। इसलिए इन दोनों दवाइयों का उपयोग किसी भी बच्चे में नहीं करना है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुन लें, क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स एमीविस्नेगा और आर्स सल्फ फ्लेवम को पिटीरियासिस अल्बा के लिए यूज़ करने का कहते हैं और फिर उन बच्चों को, मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि उन बच्चों को फिर समय के साथ धीरे धीरे किसी न किसी उम्र में सफ़ेद दाग की शिकायत होने लगती है, क्योंकि ये मेडिसिंस विटीलिगो के लिए यूज़ की जाती हैं और उन बच्चों में विटीलिगो के लिए ये मेडिसिन प्रूविंग का काम कर देती हैं और उनको सफ़ेद दाग होने लगते हैं। इसलिए खास तौर से इन दो दवाओं का उपयोग पिटीरियासिस अल्बा के केस में बिल्कुल भी ना करें, ये मेरी आपको सलाह है। अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, खास तौर से बच्चों के सिम्टम्स के बेसिस पे मैं आपको दवाई बता देता हूं जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ की हैं और मुझे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वो बच्चे आते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड किस्म के होते हैं, जो लोगों से थोड़ा सा कम बात करते हैं, जिनको अपने काम से मतलब रहता है, जो थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा खाते हैं, उन बच्चों में खास तौर से ये पिटीरियासिस अल्बा की प्रॉब्लम देखी जाती है। गाल पे उनके छोटे छोटे सफ़ेद कलर के, हल्के गुलाबी कलर के निशान पड़ने लगते हैं, तब उस कंडीशन में हमें उन बच्चों को नेट्रम म्यूरियाटिकम 200 पोटेंसी में 4 बूंद 4-5 दिन में एक बार देते रहना चाहिए। इसका उपयोग 1 महीने 2 महीने तक कर सकते हैं, मतलब 2 महीने में टोटल हम उसको 5-6 बार मेडिसिन दे सकते हैं बड़ी आसानी से। ये नेट्रम म्यूरियाटिकम 200 पोटेंसी में केवल 4 बूंद, तो उसके दाग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में, यानी कि
होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ इंटरकरेंट रेमेडी, जो उस बीमारी से संबंधित दवा होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में हम हर पेशेंट में बेसिलिनम 1 mg का डोज देना है हमें 15 दिन में एक बार, 4 बूंद उसकी हमें देना है। ये यहाँ पर इसकी फोटो है बेसिलिनम की, आप इसको देख लें। बेसिलिनम 1 mg है ये, इसकी 4 बूंद हर 15 दिन में एक बार बच्चे की या जो भी पेशेंट हो, चाहे उसको कमर पे हो रहे हों, चाहे उसके कंधों पे हो रहे हों, चाहे उसकी पीठ पे हो रहे हों, चाहे उसके पेट पे हो रहे हों या फिर उसके चेहरे पे हो रहे हों, किसी भी पेशेंट को इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में बेसिलिनम 1 mg पोटेंसी में दी जा सकती है। 4 बूंद सीधे आप उसकी टंग पे रख दें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ज़्यादा छोटा बच्चा है और उसको दवा पीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में मिला के 4 बूंद दे सकते हैं। पानी इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा पानी हो सकता है वो बच्चा ना पिए। तो ये दवा आप इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सिना। चूँकि सिना वर्म्स के लिए यूज होती है होम्योपैथी में, और ऐसे बहुत से बच्चे जिनको वर्म्स की प्रॉब्लम है उनमें ये पिटीरियासिस अल्बा नाम की जो बीमारी होती है ये देखी जाती है। इन बच्चों के जो खास सिम्टम होते हैं दोस्तों वो ये होते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी नाक यानी कि टिप ऑफ द नोज जो होती है इसको बड़ा ऐसे रब करते रहते हैं। बिस्तर पे लेटेंगे तो इस तरह से अपनी नाक को रब करते रहते हैं, पिलो से रब करते हैं, बिस्तर से रब करते रहते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनको एनाल इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इनके मुंह से यहाँ से लार बहुत ज़्यादा गिरती रहती है। सोते समय आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि उनके मुंह से यहाँ से लार गिरती रहती है। तब उस कंडीशन में दोस्तों हमें सिना 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, और उसकी 2-2 बूंद सुबह और शाम को पेशेंट को देना है। जो भी पेशेंट हो उसको ये 30-30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम देना है कंटिन्यू 15 दिन तक। फिर उसके बाद 15 दिन बाद इसका डोज एक टाइम कर देना है, और फिर अगले 15 दिन तक एक टाइम इसका डोज देना है। इसी बीच इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में सिना के साथ हर 15 दिन में बेसिलिनम 1 mg का एक डोज जरूर देना है। ये आपको हमेशा दोस्तों याद रखना है। इसके बाद और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, जैसे सल्फर। सल्फर का यूज़ भी पिटीरियासिस अल्बा के पेशेंट्स में किया जाता है। सल्फर की यदि हमें कोई पेशेंट दिखता है जो ज़्यादा बहुत नहाता नहीं है, थोड़ा सा उसको अपने नहाना अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको सल्फर दी जा सकती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको खुजली की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, इचिंग होती है, जैसे ही वो बिस्तर में जाके लेटते हैं और उनको इचिंग पूरी बॉडी में उनकी होने लगती है। स्किन बड़ी अनहेल्दी होती है, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी उनको होती ही रहती है। यदि इन बच्चों में इस तरह के पिटीरियासिस अल्बा के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं तब उस कंडीशन में हमें सल्फर 1 mg पोटेंसी में देना चाहिए, 4 बूंद 15 दिन में एक बार। तो ये जो पिटीरियासिस अल्बा जो बीमारी होती है ये उससे सल्फर से उनकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेडिसिन होती है जिसे आर्सेनिकम एल्बम कहा जाता है। ये आर्स सल्फ फ्लेबम नहीं है, मैं आपको यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये आर्स सल्फ फ्लेबम है, इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आर्सेनिकम एल्बम है, इसका यूज़ करना है दोस्तों 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को कुछ दिन तक बच्चों को देना है 15 दिन तक। उसके बाद मेडिसिन का डोज जो है वो एक टाइम कर देना है। अब इसकी खासियत जो ये है दोस्तों कि ये जो पेशेंट होता है, ये जो बच्चा होता है, इसको ड्राइनेस ऑफ स्किन की प्रॉब्लम होती है। खास तौर से स्किन से रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं जिनमें स्किन काली पड़ने लगती है इस तरह के बच्चों में देखी जाती है। इन बच्चों को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो प्यास होती है ये इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन एक बार में ये एक एक दो दो सिप करके ही पानी पीते हैं, इससे ज़्यादा ये पानी नहीं पीते हैं। तो ये यदि सिम्टम पिटीरियासिस अल्बा के पेशेंट में मिलता है तब उसको हम आर्सेनिकम एल्बम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पिटीरियासिस अल्बा नाम की बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्किन में इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो लोकल एप्लीकेशन के रूप में चेहरे पे लगाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सल्फर ऑइंटमेंट का यूज़ करें। इसके अलावा किसी भी क्रीम का, किसी भी ऑइंटमेंट का यूज़ ना करें। खास तौर से एमी विस्नेगा का तो उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सफ़ेद दाग की मेडिसिन है, ये पिटीरियासिस अल्बा की मेडिसिन नहीं है। इसलिए लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।